أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبري نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله لذين ناظرين तेरहवा पारा है इस पारे में चार सूरतें आती हैं सूर यूसुफ का बकिया हिस्सा रात इब्राहिम और सूर हिजर की एक आयत इसका पहला पार्ट रुकू नंबर एक से रुकू नंबर पाँच तक हजरत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है हजरत अलैहिस्सलाम जेल में थे बादशाह ने एक ख्वाब देखा उस ख़्वाब की ताबीर अलैहिस्सलाम से पूछने पर उन्होंने बताई बादशाह बहुत खुश हुआ बादशाह ने कहा कि उस बंदे को मेरे पास ले आओ मैं अपने हुकूमत के कामों में उससे ताउन लेना चाहता हूँ ये गोया कि एक मानों में रॉयल डिक्री के ज़रिए उन्हें जेल से निकाला जा रहा था हज़रत यूसुफ ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है मुझ पर जो इल्ज़ाम लगे उससे मुझे बरी करार दिया जाए तो बादशाह औरतों को जमा किया औरतों ने भरे मजमे में गवाही दी कि हा शिल्ला हमने यूसुफ़ में कोई खराबी नहीं पाई जुर्म हमारा था और हम ये एतराफ़ करते हैं वमा उबर्रिय नफसी मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता ये हजरत यूसुफ की तरफ भी मंसूब है और अजीज़ मिस्र की बीवी की तरफ भी बाज़ मुफसरी ने मनसूब किया है मतलब यह है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं अपने नफ्स को बुराइयों की उकसाहटों से बरी करार देता हूँ हर इंसान का नफ्स बुराई की तरफ आमादा करता है इल्ला मा रहीम रब्बी सिवाय उसके जिस पर रब का रहम हो जाए बेशक मेरा रब गफ़ूर रहीम है उसके बाद अलैहिस्सलाम वहाँ बादशाह के अंडर में हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभालते हैं और धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस से मिस्र के बादशाह बन जाते हैं उस ज़माने में मिस्र और उसके अतराफ व अकनाफ में कहत पड़ता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम राशनिंग करते हैं राशन लेने के लिए फ़लस्तन से भी उनके भाई लोग आते हैं उस ज़माने में उन्हें पता चलता है कि उनका भाई ज़िंदा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को वहाँ बुलाते हैं और इस तरह से सारा कुंबा फ़लस्तन से हिजरत करके मिस्र पहुँच जाता है ये बत्तीस फ़ीसद हिस्सा है और उसके बाद सूरह यूसुफ का आखिरी हिस्सा रुक नंबर छः जिसमें नबी करीम अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और बताया गया कि ये लोग जिन्हें दुनिया की दौलत और शरवत मिली है वो इतमान से न रहें कि अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आएगी अल्लाह ताला जब चाहे उन्हें पकड़ सकता है आप अपने काम पर लगे रहिए लोगों को बता दीजिए कि आप और आपके साथी इस्लाम की तरफ जो दावत देते हैं वो कोई डॉगमा नहीं है वो कोई अंधा यकीन नहीं है बल्कि वो बसीरत की रोशनियाँ हैं वो इंटेलेक्चुअल डिबेट उसके अंदर मौजूद है उसके अंदर साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है आप बता दीजिए कि मेरी दावत बसीरत पर मबनी है ये छः फीसद मजमून है उसके बाद राज शुरू होती है दो रुकू सात और आठ जो इस पारे का ग्यारह फ़ीसद हिस्सा है उसमें आसमान और ज़मीन की निशानियों को पेश करके तोहद की दावत दी गई वही परवरदिगार है जिसने आसमान की छत को ऊंची उठाई ज़मीन को बिछाया बारिश का इंतज़ाम किया गल्ला और अनाज उगाया और उसने तुम्हारे लिए ज़िंदगी के साजो सामान इस ज़मीन पर पैदा किए उसी की तुम्हें बंदगी करनी चाहिए यह ग्यारह फ़ीसद मजमून है रुको नंबर नौ जो पाँच फ़ीसद मजमून है उसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने यह किताब जो नाजिल की है उस पर जो लोग ईमान ले आते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है उनके अंदर सब्र का रवैया पैदा होता है वो मीसाख को पूरा करने वाले होते हैं वो रहमी रिश्तों का पास व लिहाज रखते हैं अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें जोड़े रखते हैं इसके बरक्स जो इस किताब का इनकार करते हैं उनका मामला ये है कि वो खुदा से बांधे हुए अहद को भी बंदों से किए हुए अहद को भी वो तोड़ते हैं वो ज़मीन में फसाद बरपा करने को पसंद करते हैं आखिरकार इनका ठिकाना जहन्म है उसके बाद रुकू नंबर दस से बारह तक इसमें अल्लाह तबरक ने बताया कि जो लोग कट हुजती होते हैं झगड़ालू होते हैं वो अपनी ज़िद्द और हटदर्मी पर अड़े रहेंगे लेकिन उनके रवैये से तुम्हें मायूसी नहीं होनी चाहिए आज भी आप देखिए सोशल मीडिया के ज़रिए से किस तरह से इस्लाम की तस्वीर को मस्क की जा रही है और ममिन को इन सब चीज़ों से पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए बताया गया कि तमाम अम्बिया के साथ ये मामला हुआ कि उनका इसतजा किया गया दे व रेडिक्यूल्ड उनका मजाक उड़ाया गया तंजो ताने किए गए लेकिन उन सब से उनकी हिम्मतें पस्त नहीं हुई बल्कि अपने रास्ते पर मुस्तकिल जमे रहे क्या ये लोग नहीं देखते कि जैसे जैसे आपकी दावत यानी इस्लाम की दावत फैल रही है उनका जो एरिया ऑफ़ इन्फ्लुएंस है वो सुखड़ता चला जा रहा है इस पर ये सूरत ख़त्म होती है उसके बाद सूरह इब्राहिम शुरू होती है रुकू नंबर तेरह में बताया गया कि अल्लाह तबरक अंबिया को इससे भेजा दुनिया से लमतों को ख़त्म करें और उसके बजाय नूर का उजाला दुनिया में आम करें हज़रत मूसम की दावत का एक टुकड़ा यहाँ बयान किया गया उन्होंने अपनी कौम से कहा था तुम लजीदुम वनका फर तुम इजाबिला शदीद तुम्हारा रब कहता है कि अगर रब के साथ शक्र का रबैया अख्तियार करो तो तुम्हारा रब मजीद और मजीद अता करेगा और उसके साथ तुम को फ़ुरा का रवैया अख्तियार करो तो वो बताता है कि इन्ना अजाबिला शदीद याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त होता है रुको नंबर पंद्रह में बताया गया कि अम्बिया हज़रत इब्राहिम और दीगर अम्बिया को भी उनकी कौमों ने अल्टीमेटम दिया था कि आपकी दावत बिल्कुल हमें पसंद नहीं है बल्कि आप लोगों का वजूद हमारे माशरे में नापसंदीदा है हमारे सामने दो ऑप्शन है अम्बिया और अहले ईमान को यह ऑप्शन बातिल लीडरों ने दी एक ये है कि हम तुम्हारा एनआरसी कर देंगे यानी आज की जुबान में कहना चाहें हम तुम्हें लनुख रिजन्न को मिन अर्जीना हमारी अपनी सरजमीन से तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे तुम्हारी शहरीत खत्म कर देंगे औदी मिलना या फिर तुम्हें घर वापसी करनी होगी या तुम्हें अपने अजदाद के दीन की तरफ लौट कर आना होगा अम्बिया ने साफ उसको रद्द कर दिया और बताया कि एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद तवक् के साथ वो उसी पर जमे रहेंगे फिर इसी रुकू के अंदर रुकू नंबर पंद्रह में तबरक तला ने यह भी बताया कि एक अच्छी ज़ात का दरख्त उसे तमसील के तौर पर पेश किया मोमिन की जिंदगी एक शानदार दरख्त के मानन शजर साया की तरह होती है उसके बाद रुकू नंबर सोलह में अल्लाह ताला ने अपने इनामत का तस्करा फरमाया आसमान को उसने बनाया मौसलाधार बारिश उसने बरसाई उसके ज़रिए से नबाता गल्ला और अनाज उगाया उसने सूरज और चाँद को एक हिसाब का पाबंद बनाया दिन और रात को उसने पैदा किए और बेशुमार नमतें उसने तुम्हारे लिए फैला दी फिर रुकू नंबर सत्रह में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र आया है रुकू नंबर अठारह में अल्लाह तआला ने बताया कि रसूल जो तुम्हें दावत दे रहा है अगर तुम उसे कबूल करते हो तो इसमें तुम्हारी भलाई वर याद रखो कि रसूल को खुदा का सपोर्ट हासिल होता है हर हाल में खुदा की नुसरत उसे मिलकर रहेगी खवातीन ख़वातिनत इस तरह से इस पारे पर हमने एक नज़र डाली और उसके मजामी का अख्तसार के साथ मैंने खुलासा आपके सामने पेश किया अब हजब मामूल दो इसबाक हम लेंगे आज का सबक नंबर एक रमज़ान का लेसन नंबर ट्वेंटी फाइव वो है क़ुरान की लिटरेरी ब्यूटी आयरनी इन क़ुरानिक लिटरेचर कुरान की अदबियत में सीतम जरिफी हो सकता है कि ये मजमून आम लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस न हो लेकिन मैं इन मिसालों से जब बात करूंगा तो तलबा को भी इसमें दिलचस्पी पैदा होगी आइए देखते ही कि यह लिटरेरी ब्यूटी क्या है कुरान में ये बताया गया कि ये जो सूरत है सूर्य यूसुफ़ ये अहसन अलस है यानी किस्सों में सबसे खूबसूरत तरीन किस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया अब इस सूरत को अहसन कसस क्यों कहा गया इस पर मुफसरन ने गुफ्तु की है और उसमें उन्होंने इसे फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्या वजह है किसी ने कहा कि चूंकि पूरा वाक़ एक जा एक जगह बयान कर दिया गया है इसलिए ये अहसन कसस है ये बेहतरीन किस्सा है बाद लोगों ने कहा कि इसमें डिफरेंट वाइटी ऑफ करेक्टर्स एक सोसाइटी में एक कमज़ोर बाप जो इजमे हलाल का शिकार है हाशिद भाई कैसे होते हैं भाइयों का ग्रुप कैसे होता है और जो सौतेले भाई होते हैं छोटे भाई उनका किरदार कैसे होता है मिनिस्टर्स उनके घराने और उनकी जो अपर क्लास की औरतें हैं उनका मिजाज और उनके अखलाक किरदार कैसे होते हैं एक रियाया परवर बादशाह कैसे होता है ये सब कैरेक्टर्स चूंकि आए हैं समाज में रिलेट करना आसान होता है इसलिए ये बेहतरीन किस्सा है बाद लोगों ने इसके लिटरेरी ब्यूटी पर काम किया और बताया कि इसमें क्या क्या लिटरेचर की खूबियाँ हैं लिटरेरी स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस मीनिंग इन कुरान एक किताब है जिसके आथर हैं ईसा बौलाता इस किताब के अंदर एक मजमून सूर्य यूसुफ की अदबी खूबसूरती पर है उसके अदब के हुस्न पर है उसमें से एक नुकता मैं आपके सामने इस वक्त पेश करूँगा आयरनी कहते हैं इंग्लिश में उर्दू में सितम जरीफी कहते हैं आम जुबान में इंशाल्लाह आगे मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज़ आयरनी दैट इज़ द लास्ट थिंग यू एक्सपेक्ट किसी वाक्य को पढ़ते हुए आपका जहन वहां नहीं जाता जहां रिजल्ट निकल जाता है यूसुफ हज़रतूसुफ्लम को जिस तरह से उनके भाइयों ने ले जाकर कुआं में फेंक दिया उससे किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन यह बादशाह बन जाएंगे यह आयरनी यह सितम सितमजरीफी कि उन्होंने सोचा कुछ और नतीजा कुछ और निकल गया इनकॉन्ग्रिटी यानी कि किसी चीज में तसलसल का ना पाया जाना इनकॉन्ग्रुएटिव बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड द नॉर्मल आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी यह है कि जो इवेंट्स का तसलसल है उससे वो नतीजा बरामद नहीं होता जो अचानक उस वाकई में बरामद हो जाता है तसलसल को अगर आप देखेंगे जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में जाने का मौका मिला किसी को यह तो होगी कि महल जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आसाइशें पैदा हो जाएंगी खुशियां आ जाएंगी कामयाब हो जाएंगे लेकिन हुआ यह कि वहां जाने के बाद वहां से सीधे जेल में जाना पड़ा तो इस तसलसल में जो तस्वुर किया जाता है कि अब मिसर में आने के बाद वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे वह इस्टिश नहीं हुए बल्कि जेल के अंदर चले गए फिर आयरनी किसे कहते हैं सितम दरीफी किसे कहते हैं आयरनी इज़ बिल्ट बिल्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन होप एंड आउटकम विल एंड इनकेपेसिटी रियलिटी एंड ऑफ़ इट। यानी यह है कि जिस चीज की तो जिस चीज का नतीजा दो अलग अलग हो भाई लोग मिस्र गए अनाज लेने के लिए उनके वाहमो गुमान में नहीं था कि अनाज तकसीम करने वाला बादशाह खुद उनका भाई निकलेगा यह हैरत अंगेज इस था उनके लिए यह दरअसल जरीफी कहते हैं लिटरेचर का एक टूल है आपको आसानी से समझने के लिए स्लाइड में मैंने बताया है कि अगर आपको ये मालूम हो कि किसी फायर सर्विस स्टेशन में आग लग गई तो इसको आयरन ही कहेंगे यानी जिस डिपार्टमेंट का काम है कि कहीं आग लगने ना पाए खुद उनके ऑफिस में आग लग जाए या एक एक मैरिज काउंसलर के बारे में आपको न्यूज़ में पढ़ने का मौका मिला कि उसने अपनी बीवी से तलाक लेने के लिए डाइवर्स के पेपर कोर्ट में दाखिल किए यह आपको ताजुब होगा कि जो बंदा दीगर मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ते रहता है ख़ुद उसका रिश्ता इस वक्त टूटने के करीब आया है इसको कहते हैं सीतन जरीफे है। यह है वह के इनक्रिविटी जो जिस चीज़ से जिस आदमी से जो बात मुतव है उस तो के खिलाफ खुद उसकी जिंदगी गवाही दे ये पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेंट्स अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज एक आदमी फेसबुक में ये लिखे कि फेसबुक बेकार चीज है इसमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए इस पर आपको पढ़कर हंसी आएगी कि जब फेसबुक गलत चीज है तो उसी में बैठकर उसके खिलाफ क्यों लिखा जा रहा है द गेट्स रॉब्ड आपको पता चले कि पोलिस स्टेशन में चोर उतरे और वहां से फाइलों को चोरी करके ले गए तो आपको हंसी आएगी आपको ताजुब होगा यह है आयरनी कि जिस पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना या चीज़ों की हिफाजत करना खुद उसके पुलिस स्टेशन से फाइल्स गुम हो जाए यह दरअसल आयरनी है यह सितम जरीफी है आइए देखते हैं कि सूर्य यूसुफ के अंदर ये आयरनी कैसी है आयरनी यह जरीफी ये आम लोगों के समझने के लिए अगर हमारे प्रोग्राम में ख़वान् भी हैं बच्चे भी हैं और जिन लोगों का अदबी जौक़ नहीं है उन लोगों की मालूम के लिए दिलचस्पी के लिए मैं एक मुतबाद लफ्ज इस्तेमाल करूँ वो ये है कि मशीत इलाही गालिब होती है आप बाकी अल्फाज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यानी आयरनी को यह मतलब समझिए कि इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन इलाही मशीत के नतीजे में रिज़ल्ट कुछ और आता है यह है दरअसल इस वाक़े में भरपूर तौर पर आप देखेंगे नंबर एक आप देखिए कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो बाप ने कहा कि इस ख्वाब को अपने भाइयों को बयान ना करो क्यों इसलिए कि अगर वो बयान करेंगे तो भाई तुमसे हसद करेंगे हजरत यूसुफ ने तो वो ख्वाब बयान नहीं किया लेकिन उसके बावजूद जो डर था जो खौफ था वो लाख हो गया और भाइयों ने हसद किया और उसी हसद के मारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर उन्होंने जंगल में छोड़ दिया तो ये तो आयरनी है ये जरीफ ये है ये गोया के हज़रत याकूब की जो प्लानिंग थी कि साहब इस ख्वाब को बयान न किया जाए जिसके नतीजे में कोई गलत काम हो सकता है खाब को बयान किए बग़ैर भी वो हो गया ये पहला एस्पेक्ट है उसमें समझने के लिए नंबर दो ये है कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने मर्डर की प्लानिंग की एक भाई ने उसमें कहा कि मर्डर ना करो कुएं में डाल दो आयरनी ये है कि उनके हिसाब से हिस्सा तमाम हो गया यूसुफ उनकी निगाहों से ओझल हो गया वो मर गया होगा वो कुछ भी हो गया लेकिन उसकी जिंदगी की दास्तान खत्म हो गई लेकिन आयरन ये है मशियत इलाही यह है कि उसी भाई के आगे तीस चालीस साल के बाद जाकर ये दीगर भाई लोग खड़े होते हैं और उससे गल्ला और अनाज के लिए इजाजत करते हैं उसके सामने भीख मांगते हैं और कहते हैं कि बादशाह कुछ ना कुछ दे दो माँ हमारे घर में बूढ़े वाल हैं उन सब का अनाज चाहिए तो ये आयरनी है आयरनी नंबर दो कि उन्होंने समझा कि खिस्सा ख़त्म हुआ लेकिन हुआ ये कि उसी भाई के सामने जाकर उन्हें खड़ना पड़ा नंबर तीन ये है कि वो चाहते थे कि यूसुफ असलाम को अगर रास्ते से हटा दें तो वालिद साहब की पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी तवज्जो कुरान बताता है कि वो चेहरा हमारी तरफ करेंगे लेकिन चेहरा क्या करते उनकी आंखों की बीनाई चली गई और वो इन भाइयों को देखने के लिए आंखें तैयार नहीं थी यानी उनका ख्याल यह था कि यूसुफ अगर हमारे दरमियान से हट जाए तो बाप की तवज्जो सारी हमारी तरफ हो जाएगी लेकिन बाप उनसे बहुत नाला हो गया ये भी एक उनकी प्लानिंग कुछ और थी तो कुछ और थी नतीजा कुछ और निकल गया भाइयों ने कहा कि आज इसको कत्ल कर देते हैं उसके बाद हम नेक बन जाते हैं लेकिन उसके बाद नेक कहाँ बने तोबा कहाँ किए चालीस पचास साल तक तोबा करने की नौबत नहीं आई और जब हज़रत यूसुफ् बादशाह बन के उनके सामने पहुँचे तब जाकर उन्हें तोबा करने की तोफीक़ हुई दे ट्राइट टू डिसीव फादर बाप को वो धोखा देना चाहते थे झूठ मूठ का रंग लगाकर कहना चाह रहे थे कि भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाप ने उन्हें माना नहीं तस्लीम नहीं किया उन्होंने जो मनसूबा बनाया था कि यूसुफ्लाम हट जाएंगे तो आउट ऑफ साइट जब होंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे लेकिन हुआ क्या याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो आउट ऑफ साइट हो गए तो उनके जहन में घर कर गए उनके जहन में वो बैठ गए सुबह शाम यूसुफ का जिक्र करते रहते थे यूसुफ को बिल्कुल याद करते रहते थे इनका तो ख्याल था कि उसको ख़त्म कर देने से आउट ऑफ साइट जब हो जाएगा तो बाप के आउट ऑफ माइंड हो जाएगा लेकिन हुआ ऐसे नहीं है उसके बाद आप देखिए कि अजीज़ मिस्र की बीवी डोरे डाल रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे दरवाजा खोल रहे थे तो अचानक अजीज मिस्र दरवाजे पर पाया गया तो अजीज की बीवी ने क्या किया क्योंकि वो मक्कार थी वो, वो जालिम थी वो खताकार थी उसने अपने शौहर से कहा कि अजी देखो जो तुम्हारी बीवी पर डोरे डाले जो तुम्हारी बीवी के इसमत के दर पर हो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए गोया कि उसका ख्याल था कि फौरन एलिगेशन लगाने से उसका शौहर मुतासर हो जाएगा और बजाय बीवी को डांटने के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सज़ा देगा लेकिन हुआ है कि उसके साथ एक और वहाँ आदमी खड़ा हुआ था उसने टेस्ट किया और देखा कमीज सामने से फटी या पीछे से और जब कमीज पीछे से फटी हुई थी तो ये तय हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहल नहीं किया वो भाग रहे थे औरत ने पहल किया तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ इस औरत को नज़रअंदाज कर दो और उसकी ग़लती को माफ़ कर दो ये है असल में मशियत इलाही हर जगह मशियत इलाही आप देखे कैसे काम आती है इंसान एक मंसूबा बनाता है खुदा कुछ और चाहता है भाई लोग कुछ मंसूबा बना रहे हैं अल्लाह ताला की मशियत कुछ और है अजीज़ मिस्र की बीवी एक बहाना बना रही है खुदा ताला की मशीत कुछ और होती है आखिर में देखे कि हज़रत यूसुफ जब जेल में चले जाते हैं तो वो कैदी आते हैं और हजरत यूसुफ यूसफ्लम से अपने ख़्वाब की ताबीर पूछते हैं उसमें एक की फांसी हो गई दूसरा जो शराब निचोड़ने वाला था जब वो छूट कर जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ सलाम ने कहा कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना ये गोया कि जेल से निकलने के लिए इंसाफ की दुहाई देने के लिए एक तरीक़ा था जो हज़रत यूसुफ़ ने सोचा लेकिन हुआ यह कि जब गया बादशाह के दरबार में भूल गया खुदा की स्ट्रैटी अलग होती है खुदा की मशीत कुछ और होती है इंसान कुछ और गेम खेलता है इंसान कुछ और मंसूबे बनाता है इंसान कुछ और चीज़ें नक्शे बनाते रहता है लेकिन अल्लाह ताला का मंसूबा कुछ और होता है सूरह यूसुफ़ के अंदर आप ये देखेंगे कि खुदा का मंसूबा ही गालिब है खुदा की हमत बालिगा होती है खुदा का फैसला अटल होता है खुदा की मशीयत वो इंसानों की भलाई के लिए है ये बात साबित होती है

अल्लाह ताला उन्हें जाय नहीं करता लेसन नंबर तीन यह है कि ही गिव्स हैव कमिटेड एंड अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स जिंदगी में गलतियां होती हैं और अल्लाह ताला गलती करने वालों को मौका जरूर देता है कि वो संभल जाएं। यह भी इस वाक़े से सबक मिलता है और आखिरी सबक यह है कि दैट समटाइम्स कम्स टू अनडिजर्व्ड हार्म दो इन द एंड टू गुड मासूमियत के नतीजे में कभी कभी तकलीफ होती है जिसका वो आदमी मुस्ताहक नहीं होता वो मासूम इंसान उसका मुस्ताहक नहीं होता लेकिन आखिरकार उसकी मासूमियत दुनिया के सामने जाहिर होती है आशकारा होती है और उसके नतीजे में उसका इमेज बुलंद हो जाता है खातिन हजरात एक्शन प्लान क्या है एक्शन प्लान ये है के गो टू द पास्ट एंड रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू फाउंड ब्लेसिंग्स इन डिस गाइज आप अपनी ज़िंदगी में पीछे पलट कर जाइए और देखिए कि कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि जहां आपको लग रहा था कि तकलीफ हुई आपको नुकसान हुआ आपका दिल दुखी हुआ था लेकिन उसके बीच में अल्लाह ताला ने आपके लिए खैर नाजिल कर दिया राइट नाउ आर यू इन एनी ट्रबल क्या इस वक्त आप किसी मुसीबत में किसी परेशानी में हैं इज़ इट योर अर्निंग ये आपके हाथों की कमाई है यू समथिंग गुड टू कम आउट ऑफ़ इट या इस शर के अंदर से कोई खैर निकल कर आने वाला है इन दोनों चीज़ों का जायजा लीजिए खुतिन ये पहला सबक था अब हम आते हैं दूसरे सबक पर दूसरा सबक वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक मिसाल अल्लाह तबरक ने कुरान में दी है सूर्य इब्राहिम में आयत नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स में अल्लाह ने फरमाया

बहुत ही सटल बातें जो इल्मी बातें जो फलसफे की बातें जो इल्मी हकीकत की बातें हैं उन्हें बयान फरमाया है उनमें से एक आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह तबरक ने फरमाया कि एक मोमिन की ज़िंदगी कैसे होती है मोमिन एक शजर सा होता है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक दरख्त है दरख्त की जड़ें होती हैं दरख्त का तना होता है उसकी शाखें होती हैं उसके ब्रांचेस होते हैं फिर उसमें पत्ते लगते हैं फूल और फल लगते हैं एक दरख्त के ग्रोथ के लिए अच्छी ज़ात का दरख्त गुड क्वालिटी का जो प्लांट होता है एक बीज जमीन में बोने के बाद ज़मीन उसे अपने अंदर जस्ब कर लेती है फिर आप देखिए कि उस दरख्त के ग्रोथ में चार चीज़ें सपोर्ट करती हैं सूरज की रोशनी पानी जमीन या मिट्टी और हवा इन चारों रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके दरख्त ग्रो होता है और बढ़ता है इसी तरह एक बंदे मोमिन अपना वक्त अपनी दौलत अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी सेहत और जवानी को इस्तेमाल करके वो खुदा का कुर्ब हासिल करता है और एक तनावर दरख्त के मानन समाज में वो मरूफ होता है जब दरख्त बड़ा हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि वो दरख्त समाज में फैल जाता है उसमें फल और फूल लगने लगते हैं उसमें साय के लिए जानवर भी आते हैं तितलियां भी आती हैं परिंदे भी आते हैं उस दरख्त में इंसानों के काफिले भी आते हैं दरख्त के साय में आराम करते हैं दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को समाज से लेता है और समाज को ऑक्सीजन देता है दरख्त फूल भी देता है फल भी देता है लकड़ी भी देता है इस तरह से दरख्त मुकम्मल मनफियात बख्श हो जाता है उसके साए से उसके हवा से उसके पत्ते से उसके फूलों से उसके फल से उसकी लकड़ी से हर चीज़ से वो इंसानियत के लिए भी जानवरों के लिए भी मुफीद होता है एक बंदा मोमिन भी ऐसा ही है कि ईमान का बीज जब उसके कल्ब के अंदर पड़ता है तो वो एक तनावर दरख्त की हैसियत में ग्रो होने लगता है आप इस सलाइड पर देख सकते हैं बताया गया है कि बिलीफ अकीदा ये उसकी जड़ें हैं और थिंकिंग जो थाट प्रोसेस है एक थॉट प्रोसेस ये मी माय वाइफ माय चिल्ड्रन बस इसी के लिए हमको दुनिया में जीना है एक थॉट प्रोसेस ये है कि लिविंग फॉर अदर्स मुझे दुनिया में दूसरों के लिए भी जीना है ये गोया के तना है उसका फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी जो शाखें हैं वो एटीट्यूड है टी ड्रिंक बी मेरी एक एटीट्यूड है खाओ पियो, मौज मस्ती करो कल हो ना हो ये एक एटीट्यूड है दूसरों से हम आगे नहीं बढ़ सकते तो उन्हें छोटा कर दें ये एक एटीट्यूड है ये ये एक एक है। एक ये है कि मेरी जात से दूसरों को फायदा हो आई डिस लाइक स्टैंडिंग टॉल एंड डेड बॉडीज मैं दूसरों की लाशों पर खड़े होकर बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता आई केयर फॉर हलाल एंड हराम कमाने में खाने में मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि खुदा किससे राजी होता है खुदा किससे नाराज होता है यह है एटीट्यूड और उसके बाद आप देखेंगे इमोशंस वो फूल हैं खुशगवार इमोशंस प्यार मोहब्बत लव मर्सी एम्पति सिंपति शेयरिंग केयरिंग ये अगर बंदे मोमिन के अंदर आ जाए तो ये उसके फूल हैं उसके पत्ते उसके बिहेवियर हैं समाज के साथ वो कैसे बिहेव करता है रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों के साथ मोहल्ले वालों के साथ ऑफिस वालों के साथ कैसे बिहेव करता है और कॉन्ट्रीब्यूशन वो समाज को क्या देता है मीठे दो बोल देता है लोगों के काम आता है यतीमों गरीबों बेवाओं और मिसकिनों के काम आता है दीन की दावत और तबलीग में लगा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है वो फल है जिस तरह से दरख फल के जरिए से दूसरों को फायदा पहुंचाता है इसी तरह बंद मोमिन कंट्रीब्यूशन के जरिए से वो समाज को फायदा पहुंचाता है तो इस मिसाल में ये बात आ गई कि जिस तरह से कलम तय्यबा एक अच्छा थाट एक अच्छा आइडिया एक अच्छा फलसफा एक अच्छा ईमान ईमान का बीज वो शजर तय्यब के मानंद है बेहतरीन ज़ात के दरख के मानंद है जिससे हर आन फल निकलता है और सबके लिए मुफीद होता है बंद मोमिन भी समाज में एक शजर सायादार बन जाता है मुझे और आपको अपनी जिंदगी को ऐसे ही बनाना है हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट इसी तरह से होना है कि हम समाज के लिए मुफीद बने हमारे थाट्स अच्छे हों हमारे एटीट्यूड्स अच्छे हों हमारे इमोशंस अच्छे हों हमारा बिहेवियर अच्छा हो समाज के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा हो हम हर पहलू से समाज के लिए मुफीद बन जाएं ये अगर बन जाते हैं तो हम समाज के लिए शजर सायादार बन जाते हैं खुतिन हजरा आइए देखते हैं एक्शन प्लान क्या है एक्शन प्लान यह है कि डू ये फुल माइंड चेकअप इंसान अपने जहन से बनता है उसके ख्याल से उसकी सोच से उसके एटीट्यूड से उसका बिहेवियर यहीं से है। जो डिसन लेता है उसके मुताबिक बिहेवियर होता है हमेशा गुड डिसीशन से गुड बिहेवियर निकलता है बैड डिसीशन से बैड बिहेवियर निकलता है तो आप अपने जहन का जायजा लीजिए आपकी सोच कैसी है आपके ख्याल कैसे हैं आपका रवैया कैसे है आपका एटीट्यूड कैसे है आपका बिहेवियर कैसे है, है आपका लोगों के लिए इमोशंस कैसे हैं इसका पूरा एक चेकअप कीजिए जिस तरह से बॉडी चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसी तरह से आज की रात बैठकर आप माइंड चेकअप कीजिए नंबर दो आर यू गोइंग फाइन क्या सब कुछ ठीक है एक अच्छी दरख्त के, के हैं और यू नीड ट्रेनिंग ऑन कुरानिक डेवलपमेंट कुरान जिस तरह से हमारी शख्सियत साजी करना चाहता है उन बुनियादों पर क्या आप अपनी शख्सियत साजी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको कुछ लिखना होगा कुछ पढ़ना होगा कुछ गौर फिक्र करना होगा कुछ डिजिटल लर्निंग करनी होगी कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने होंगे तब जाकर कुरानी शख्सियत साजी आपकी हो सकती है खुवानो हजरा ये दो मौजूद थे आज के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताल हमें सूर्य यूसुफ़ से जो लिटररी स्टाइल है कुरान के उस लिटररी स्टाइल को समझने की तोफ़ी अतः फरमाए और अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की मनसूबा करने की तोफ़ी अतः फरमाएँ आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबीआलम